हेलो टू ऑल, आज मैं आपको पोर्ट्रेट के बारे में बताऊंगी। किस प्रकार पोर्ट्रेट के लिए हमें डिवाइडेशन करना होता है, पूरा चेहरे को एक अंडाकार शेप में बनाना होता है और फिर इसको आईज़ के और नोज़ के और लिप्स के स्पेस में डिवाइड करना होता है, उसके बाद ही हम ये सारा ड्रॉ करते हैं। अब आप ये देखिए कि किस प्रकार फेस की स्केचिंग की जा रही है, किस ढंग से पेंसिल चलाई जा रही है। पेंसिल 2B या 4B की होनी चाहिए और 6B की भी डेप्थ के लिए काम में आती हैं, तो 2B 4B 6B की पेंसिल्स इसके लिए होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही हमें लाइट एंड शेड का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किस तरफ से लाइट आ रही है उसको ध्यान रखना चाहिए, किस जगह डेप्थ आ रही है और किस जगह से शेडिंग आ रही है, यानी कि किस जगह हमको प्रकाश लगाना है और किस जगह हमको छाया प्रदर्शित करनी है। इस प्रकार हम ये रैपिड स्केच बना रहे हैं जिसके माध्यम से पूरा अभी पोर्ट्रेट बनके तैयार हो जाएगा। और पेंसिल स्केचिंग के लिए उठानी नहीं चाहिए, एक दिशा में एक लैम में पेंसिल चलती रहनी चाहिए। ये आप देखिए कि किस प्रकार बालों का शेडिंग किया जा रहा है और किस ढंग से फेस की आउटलाइन तैयार की जा रही है और किस प्रकार पूरा ये कंप्लीट होता दिख रहा है। और अब ये देखिए कि हम लास्ट उसमें आ गए हैं और फेस का आउटलाइन कंप्लीट हो गई है और अब कानों की स्केचिंग की जा रही है, गर्दन बनाई जा रही है और इसके साथ साथ ही अब शेडिंग शुरू की जाएगी। जिस तरफ से लाइट आ रही है उस रंग से लाइट आ रही है उस तरह से वाइट छोड़ेंगे और जिस तरफ से शेड आ रहा है उस जगह से हम शेड दिखाने का प्रयास अपने इस स्केच में कर रहे हैं। ये देखिए आप किस ढंग से कर रहे हैं। और ये हमारा पोर्ट्रेट तैयार होता नज़र आ रहा है, कहाँ हमें डेप्थ लगानी है, किस जगह हमको दिखाना है, बालों को घना करना है और ये हमारा पोर्ट्रेट बनके तैयार हो गया है। ये देखिए पूरा इसमें लाइट एंड शेड पूरा देखने को मिल रहा है। थैंक यू।